हम ऑलरेडी स्लोप निकालनी देख चुके हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइंस लिख चुके हैं. कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं कोई बताएगा? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, याद है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट हाँ, फॉर्म y माइनस वाई वन इज नॉर्मल इक्वल टू वाई फॉर्म. टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. अच्छा, बस कौन सी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, जल्दी बता दो. वही नहीं याद होती लोगों को. मैम एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी. ठीक है यस बच्चे, मैं मैम. अल्फा लिखती, तो मैंने ये लिख दिया. पी क्या होता है बच्चे? सिंपल, डिस्टेंस होती है मैम ओरिजिन से. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मैम ओरिजिन. परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर ओरिजिन डिस्टेंस. वेरी गुड वेरी गुड. अरे बहुत इंटेलिजेंट बैच है ये तो. चलो मजा आएगा, ये तो सुबह वाले बैच जैसा बैच है. चलिए देखिए, मैंने आज हम स्कूल में करेंगे पढ़ा था. बच्चे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. ठीक है, एक लाइन गिवन है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, दिस इज योर गिवन लाइन, और ये है हमारा पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन. ठीक है, अब मुझे क्या है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है इस लाइन पर. पहले तो मुझे एक बात बताओ, कितने डिस्टेंस पॉसिबल है? मैम इनफाइनाइट. इनफाइनाइट वेरी गुड इनफाइनाइट बच्चे, कितनी फाइनाइट कितने डिस्टेंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट. तो हम यहां पर कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं? हम निकालते हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस. सो दिस इज योर पी आर. बच्चे इसकी ना हम वो नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे. जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ पर, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. अब बच्चे अगर डायरेक्ट दिया हुआ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हमेशा समझ जाना वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछ रहा है, या पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दोनों सेम ही बात है. ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि अरे ये वर्ड तो हमने देखा ही नहीं है, ये तो हमें आता ही नहीं है, पर दोनों क्या है बच्चे, सेम चीज है. तो जो ये लाइन की इक्वेशन मुझे दी गई है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये क्या है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि मुझे इस लाइन में पुट करने हैं, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो बच्चे यहां से आपको ऑब्जर्व करके ना दो चीजें समझ में आनी चाहिए. कोई भी लाइन की इक्वेशन की फॉर्म दी गई है, सबसे पहले तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो. किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ए एक्स प्लस बी एक्स वाई वन प्लस प्लस सी बी इज बाय वन इक्वल्स टू जीरो. प्लस समझ में आया? और डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. ठीक है, अगर कुछ नहीं गिवन है, अगर कोई कंडीशन गिवन है, तो जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से जो है हम डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, चलिए जी कीजिए ये वाला क्वेश्चन देखो. अच्छा पहले ना मैं एक बात बता देती हूँ, आप क्लास में कैसे जो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीखने का तरीका क्या होता है बच्चे, देखो क्या होता है, आप कभी भी ना छोटी छोटी चीजों को ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो. जो एग्जाम क्लियर करता है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो पढ़ने में, या फिर कुछ उसने बहुत ताबड़तोड़ कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है. पता है आपको, जो पीछे वाली रैंक्स होती है ना, 2000 के नीचे वाली जो रैंक्स होती है, 2K के नीचे वाली जो रैंक्स होती है, उनमें क्या होता है बच्चे, उनमें ना ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पे ठीक हो गया तो आपकी 2000 रैंक आ गई, और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी 2500 रैंक आ गई, ऐसे फर्क पड़ता है. तो वहां तक अगर आपको पहुंचना है, मतलब डिस्टेंस अगर कवर करना है, तो कैसे करना है, टाइम बचाना आना चाहिए आपको, सही कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको, और क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, और सिली मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे क्या है, आप अपना टाइम बचाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको प्रॉब्लम पढ़कर ये समझ में आ रहा है क्या कि वहां निकल गया पूछा क्या? आपसे। अरे मुझे पता है, हो गया, वेट करो, आज फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे को क्लियर करने दो. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखा करेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें मैं नहीं पूछ रही हूँ. आगे की हमारी ये अप्रोच रहेगी कि आप पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और फिर जिससे मैं पूछूंगी वो अनम्यूट करके मुझे ये बताएगा कि उसने उसको क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइट? फिर उसके बाद हम छोटी छोटी ट्रिक्स करेंगे क्लास में, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी. बाकी जो पूरा कॉन्सेप्चुअल वे है वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक से भी जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए जी, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है मोड 20/5 आएगा ना, इन्होंने 4 लिख रखा है. बच्चे, वही आंसर होता है. चलो मैं बताती हूँ, रुक जाओ. सबसे पहले
जो भी स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन में जितने भी ज्योमेट्री में क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, उनको ड्रॉ करके देख लिया करो, मतलब साइड में जाके रफ में ड्रॉ करके देख लो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 × 4 − 4 × 4 + 12 √3² + − 4² सो बच्चे दिस इज योर 12, सॉरी ये 1 है, दिस इज योर 1, ठीक है, −4 + 12 √25, तो ये कितना आ गया, मॉडुलस 20/5। बच्चे मॉडुलस में कोई भी क्वांटिटी होती है, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या बन के बाहर निकलेगी, पॉजिटिव। तो ये कितना आ जाएगा, 4 units, द डिस्टेंस इज योर 4 units। बच्चे अगर जिसको नहीं पता थी ये चीज, अगर −20 भी होता तब भी हम उसको क्या लिखते, हम ऐसे लिखते −20/5, ये क्या बन गया, अल्टीमेटली 20 बन गया ना, 20/5, दैट इज योर 4। समझ में आ गया? यस बताइए, ठीक है, गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, जिससे मैं पूछूंगी वही मुझे बताएगा कि क्या करना है। मैंने पहले ही क्लियर किया था, अगर कुछ नहीं गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर कुछ गिवन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है। जल्दी से देखो। हाँ जी साक्षी, आप बताइए बच्चे क्या पूछा गया क्वेश्चन में। अंजलि आप बताइए बच्चे। मैम इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है पी पॉइंट का एक इक्वेशन से, जो कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है। कंप्लीट नहीं पढ़ा आपने, मतलब ठीक है चल जाएगा बट पूरा नहीं। नहीं अनुष्का कुमारी आप बताइए बच्चे। हरिष्का आप बताएंगी। मैम हर्षिता, हाँ जी हर्षिता आप बता दीजिए, चलिए बताइए। एक्चुअली मैम वी हैव गिवन द डिस्टेंस दैट, और जो लाइन का डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है, मतलब डिस्टेंस हमें निकालना है। नहीं 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 डिस्टेंस नहीं दिया हुआ मैम, डिस्टेंस निकालना है, जो हमें लाइन गिवन दे रखी है वो है 4x − y = 0, और वो जो पॉइंट से गिवन है वो है पी पॉइंट से गिवन है वो, और जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 और 1, और वो एक लाइन से मेजर हुई है जिस जो एंगल बना रही है 135 डिग्री का, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस मैम। ओके चलो ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे रफ में जाके जल्दी से फिगर बना लो, ठीक है। अब देखो बच्चे मुझे इतना तो पता है ना, 4x − y तो पक्का ओरिजिन से पास कर ही रही होगी, ये ओरिजिन है, ठीक है। ठीक है, गुड गुड वेरी गुड, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बैच है। जस्ट एक बच्चे आज का लेक्चर है ना, थोड़ा सा बस एक बार वैसे बताने दो सबको, फिर देखो बच्चे जो ये ग्रीन वाली लाइन है इस पर जो है पी पॉइंट जो है लाई करता है, और ये लाइन क्या है 135 डिग्री एंगल बना रही है। क्यों? क्योंकि पढ़ो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट पी का इस गिवन लाइन से, जब हम अलोंग द लाइन मेजर करते हैं, कौन सी लाइन के साथ, जो कि 135 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो मतलब इस लाइन पे ही पी पॉइंट लाई करता होगा। तो ये दोनों आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट है आर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मुझे पी आर डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें जो कि हैं x1, y1, तो हम PR फाइंड कर सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। चलिए देखते हैं, जो एक ग्रीन लाइन है, जिन जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, समझ में आ गया ना बच्चे सबको, बोलो yes, जल्दी से अनम्यूट करके, ठीक है। तो बच्चे ये जो ग्रीन लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी, कोई मुझे बताएगा, या फिर इसकी इक्वेशन में ये मान लू पहले y = mx + c, स्लोप बताइए इसकी कितनी होगी, स्लोप बोलो बच्चे। बच्चे स्लोप क्या होती है, tan थीटा होती है ना, y1 / x1। अरे एक टाइप बच्चे देखो, स्लोप जो होती है ना वो आप काफी तरीकों से दे सकते हो, एक अगर एंगल पता है तब दे सकते हैं, जब क्या है हमें इंटरसेप्ट पता है तब भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमें दो पॉइंट्स पता है हम तब भी निकाल सकते हैं, राइट। तो m कितना आ गया, -1, तो ये आ गई हमारी -x + c,
और पॉइंट पी भी जो है वो यहां पर लाई करता है, पुट 4,1 इन दिस इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 1 इज इक्वल्स टू -4 + c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 5, तो हमारे लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू -x + 5। मैम आपका स्क्रीन पॉज है। यस मैम। ओके, आपको बताना था ना मुझे। एक सेकेंड ना, अब देखो आया। यस यस मैम। अच्छा देखिए, दिस इज योर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है बच्चे, 4x - y इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बताइए बच्चे, जल्दी बोलो। अरे इसको सॉल्व भी तो करना है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी मैम? 1 एंड 4 आ जाएगा मैम। 1 एंड 4 तो बच्चे पीआर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे। हाँ जी, कितना हो गया ना, जल्दी बताइए। मैम √18। दैट इज योर 3√2 यूनिट्स, सो दिस इज योर डिस्टेंस। समझ में आया बच्चे, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके गुड, अब समझ में आ गया है ना कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी होंगी, तो उस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सब के सब कीजिए, लेकिन इसका आंसर आप पोल्स में देंगे, ठीक है? मैं पोल्स लॉन्च कर रही हूँ, गिव मी अ मिनट, सॉल्व कीजिए जल्दी से। नहीं शो हो रहा है मैम, लास्ट स्लाइड ही दिख रही है। अरे एक सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है, गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको अच्छे से? यस यस मैम। शेयर तो किया हुआ है, रुको देखो अब आ रहा है। पोल्स लॉन्च कर दिए मैंने, जल्दी से बताइए कैसे होगा। दो मिनट क्या मैम, क्वेश्चन अभी भी नहीं शो हो रहा है, लास्ट स्लाइड ही दिख रही है। रुको मुझे ना दोबारा स्क्रीन शेयर करने दो। हाँ जी देखिए अब ठीक है, अब आ गया। यस मैम। हाँ जी करो जल्दी से करो। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो जो तीनों लाइन गिवन है उससे क्या है बच्चे, सेम है, राइट? तो हमें वो पॉइंट बताना है। ए बी सी डी आपको ऑप्शन गिवन है, पोल्स में आंसर करो सबके सब। हाँ जी प्रियांशु राज गुप्ता जी, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? बताइए कैसे करेंगे, कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? चलो देखते हैं मैम। हाँ जी बताइए मैम। इसमें हम मैम एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, मतलब एक पॉइंट ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो जाएंगे, फिर मैम तीनों डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, तो फिर मैम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके जल्दी करो, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो, और टाइम नोट करना कितने टाइम में दे रहे हो, ठीक है? बच्चे देखो जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना उनमें टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं, प्रेशर होता है एग्जाम का, राइट? तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और सही करो, सही आंसर करो, यही जो है इम्पोर्टेंस है आपकी टेस्ट सीरीज की। देखो इन दोनों को लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और एक इक्वेशन बनाइए।
मैम ऐसे तो हमारा क्वेश्चन होगा ही नहीं, हमें तो 5 मिनट लग जाएंगे जेई में, एक क्वेश्चन पे हम 5 मिनट दे ही नहीं सकते, तो क्या करें? चुपचाप ऑप्शंस देखो और पुट कर लो ऑप्शंस को, देखो क्या आंसर आएगा, ऑप्शंस को क्रॉस चेक करो, जल्दी से आंसर निकालिए। हो गया, वेरी गुड। बच्चे पोल्स में आंसर कीजिए, ऐसे मत आंसर कीजिए, प्लीज पोल्स में आंसर कीजिए। वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर, मतलब 9 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक। देखो बच्चे आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन सी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने दिमाग में जो है रफली कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी, तो ये कितना आ जाएगा, 0 + 0। अच्छा मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चे, 10/5, मॉडुलस 10/5। ये कितना आ गया, मॉडुलस 26/13। ये कितना आ गया, मॉडुलस -50/25। ये हर कोई कितना आएगा, 2 के इक्वल आएगा। समझ में आया, बोलो। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। फाइन एवरीवन, यस। भी अप्रोच बताई थी उसको, टाइम डिफरेंस समझ में आया, अगर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, और बच्चे यहाँ पर ना मॉडुलस है, हम डायरेक्टली 2 इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि अच्छा मॉडुलस होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फाइन, अब देखते हैं बच्चे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। चलो जल्दी से, पहले मुझे तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन बता दो क्या होती है। मैम स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। और जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था वो क्या था, कंडीशन बताना, अगर ये 2 लाइंस है तो क्या होगी, बोलो। A1 by A2 is equals to B1 by B2 but does not equals to C1 by C2। वेरी गुड, ये जस्ट मैंने स्टाइल मारने के लिए बता दिया है, थोड़ा बस ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे अगेन वही चीज, मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, y1, ठीक है, और ये एक लाइन है AX + BY + C1 = 0, ठीक है। मैम स्क्रीन पॉज हो गई, स्क्रीन पॉज हो गई, क्या हो रहा है ये? यस मैम, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, हाँ जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दोबारा शेयर कर रहे हैं। हाँ जी देखो, अब आ रही है, बोलो, ठीक है। yes. अब बच्चे देखो, मुझे इसका डिस्टेंस पता है ना, इसका डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट पी का इस लाइन से, ये होगा मॉडुलस AX1 + BY1 + C1 / √A² + B² राइट, यही होगा ना। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, किसके, AX + BY + क्या हो रहा है, स्क्रीन, एक सेकंड रुको, मैंने आ रही है, फिर बहुत देर के बाद आती है जब आप लिख खत्म कर देते हो। अच्छा मुझे ना एक बार वो करने दो, हाँ जी ठीक है, अब दिख रही है, यहां तक समझ में आया सबको। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट पी मान लिया x1, y1 और उसका डिस्टेंस निकाल लिया मैंने, कहां से, इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया मेरे पास, और पी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है गिवन लाइन के, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट है, नहीं ना? तो बच्चे पी जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी तो लाई करेगा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ AX1 + BY1 + C2 = 0। तो बच्चे यहां से AX1 + BY1 = -C2,
यही आ गया ना, माइनस सी टू के इक्वल आ गया। यहां पर पुट कर दो ये चीज, तो बच्चे डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस सी टू प्लस सी वन मॉडुलस बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मॉडुलस सी वन माइनस सी टू बाय, पॉज हो गया, अरे क्या हो रहा है आज ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रुको अब देखो, अब आ रहा है, यस मैम, ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चे, हो सकता है आपको कहीं कहीं दिया हो सी टू माइनस सी वन, दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही चीजें हैं, समझ में आया बच्चे, बोलो डायरेक्ट समझ में आ गई ना, गुड। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, इजी है, बिल्कुल इजी है। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, देखिए डन, यस मैम, ओके। चलिए डिस्टेंस फाइंड कीजिए इन दोनों लाइन में, सबसे पहले तो देखो क्या ये पैरेलल लाइंस हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब देखो, यस मैम हो रही, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं? यस मैम, यस मैम, देखो मैंने क्या किया, ए और बी को इक्वल बना लिया है, राइट, तो बच्चे यहाँ से सी वन की वैल्यू बताइए 9, सी टू की वैल्यू बता दीजिए माइनस 17 बाय 2, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है माइनस 4, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज योर 9 माइनस ऑफ माइनस 17 बाय 2 बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, राइट, सो बच्चे दिस इज योर 35 बाय 2 बाय 5, सो दिस इज योर 7 बाय 2 यूनिट्स डिस्टेंस। समझ में आ गया सबको? यस मैम। पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। ओके गुड, चलिए अब बच्चे हम कॉन्सेप्ट करते हैं, अब स्क्रीन दिख रही है ना, बोलो, यस मैम। अच्छा बच्चे देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट से कि आपने एक लाइन पर That is your AX plus BY plus C is equals to zero. बच्चे इसका ना कोई फॉर्मूला नहीं हम देखेंगे या फिर ऐसे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ना इसको कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, ठीक है? एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X1 comma Y1. यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर गिराया इस गिवन लाइन पर, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है Q, ये क्या है बच्चे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, समझ में आया? मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2 comma y2, फाइन। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि x2 comma y2 अगर मैंने मान लिया है तो इसको, इस कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी को कोई स्लाइटली आइडिया, जितना अभी तक आपने पढ़ा बिल्कुल उसी को यूज करके, क्या हम PQ लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? yes, तो अगर मैं पीक्यू लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकती हूँ तो उसका और ax plus by plus c is equals to zero का अगर इंटरसेक्शन ले लूं तो पॉइंट मुझे क्यू मिल जाएगा? यस मैम, ठीक है, पर बच्चे मुझे क्यू पॉइंट तो पता ही नहीं, x2 comma y2 तो कैसे होगा, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है ना, मुझे x2 comma y1 गिवन है, ऐसी तो कोई इक्वेशन मुझे आती नहीं है जो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होती है और मैं लाइन की इक्वेशन बता दूं, है क्या कोई ऐसा? नहीं ना, देखो बताते हैं बच्चे, देखो इस लाइन की स्लोप को मैंने माना m1, इस लाइन की स्लोप को मैंने माना m2, m1 बताइए कितनी होगी, m1 बताइए बच्चे कितनी होगी? मैम माइनस a बाय बी। वेरी गुड, माइनस a बाय बी। इस फॉर्म में जो स्लोप होती है वो क्या होती है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, रुक गई, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ ए बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब दिख रहा है, बोलो। yes, और बच्चे m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही होगा ना m2, बोलो।
मुझे एक रिलेशन होता है, इसको जितने मर्जी टाइम स्टार मार्क कर लो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? माइनस वन होगा, राइट? तो बच्चे क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ y2 टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू माइनस ए बाई बी इक्वल है माइनस वन के, कह सकते हैं ना ऐसे? yes, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या होगी? ये जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन पे भी तो लाई करता है, तो यानी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. ये है मेरी सेकंड इक्वेशन. मेरे पास मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एक्स टू और वाई टू फाइंड करना है. दो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, आंसर आ जाएगा? बोलो. हाँ जी बच्चे, देखो ये जो रिलेशन है ना, आपके जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आधे से ज्यादा इसी रिलेशन पे आते हैं, ठीक है? इसको याद रखना, हमेशा ही याद रखना. देखो बिल्कुल ही सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो. मैं पोल्स में आंसर, रुक जाओ पोल्स लॉन्च कर रही हूँ, गिव मी अ मिनट जस्ट, ठीक है? हाँ जी बताइए. चलिए सब कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए और आंसर जो है पोल्स में मार्क करो. इतने मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. y इज इक्वल टू द 3x प्लस 4, राइट? और ये है पॉइंट P मेरा 2, 3. ये है पॉइंट Q, ठीक है? इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए बच्चे x1, y1. मुझे यही फाइंड करने हैं. बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं जल्दी से, Q पॉइंट जो है वो y, ये जो गिवन लाइन है इस पे लाई कर रहा है, तो यानी y1 equals to the 3x1 plus 4, राइट? इतना तो आएगा ही ना, इतनी बात समझ में आती है सबको? इतनी बात समझ में आती है? बोलो. यस मैम. तो बच्चे जो मुझे फाइंड करना है वो x1 और y1 है, तो क्यों ना मैं ऑप्शंस को अभी पुट करके देख लूं. अगर जो गिवन ऑप्शंस है मैं इनको पुट करके देख लूं, अगर ये इसको सेटिस्फाई करके, तो वही मेरा आंसर आ जाएगा, राइट? सोचो अगर चार ऑप्शन है, सिर्फ दो ही पॉइंट्स ऐसे, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा, मुझे और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. समझ में आया क्या बोल रही हूँ? अरे समझ में आया बच्चे? नहीं मैम. नहीं समझ में आया? अच्छा बच्चे देखो, मुझे क्वेश्चन में गिवन है मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं फ्रॉम द पॉइंट 2, 3. मतलब 2, 3 से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है लाइन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 पे, ठीक है? तो मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट? तो मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 है. इतनी बात समझ में आती है? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है. yes, तो बच्चे जो Q पॉइंट है ये इसी लाइन पे तो लाई करेगा, जिस लाइन पर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं फुट, जो परपेंडिकुलर का फुट होगा वो यहीं पर तो लाई करेगा. बोलो. yes, sir. ठीक है. तो यानी x1 और y1 तो पक्का इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया? y1 equals to the 3x1 plus 4. बोलो. yes, sir. ठीक है. तो बच्चे जो x1 और y1 है यही तो मुझे फाइंड करना है, मतलब ऑप्शन में से ऑप्शन जो है वो यही तो दे रखे हैं, x1 और y1 ही तो दे रखे हैं, तो हमें आके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम चुपचाप जो है क्रॉस चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो. मैं ये बोल रही हूँ. समझ में आया क्या बोला है? शॉर्टकट समझ में आया? यस मैम. बच्चे देखो, अब अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे या आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो देखो यहाँ पर अगर x पॉजिटिव है तो y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज की गारंटी है. देख लो क्यों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो y नेगेटिव कैसे होगा? देखो
तीन ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा बी ऑप्शन, और वही हमारा आंसर है। समझ में आया जेई में टाइम कैसे बचाना है? यस मैम। ठीक है, देखो सिर्फ बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस यहाँ पर जो है ये आंसर भी मिल जाएगा। पर अब क्या हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस लाइन की स्लोप है n1। सॉरी मैम, ए सेटिस्फाई कर रहा है ना इस इक्वेशन को? तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पुट करके देखो 37/10+4 ये y माइनस कैसे आ जाएगा बच्चे? अभी तो समझाई ये चीज, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो ही नहीं सकता यहाँ पर। मैम वो मैम न्यूमरेटर में 40-3/10, तो मैम 37/10 ही तो आएगा। तो बच्चे बी ऑप्शन है वो, x माइनस 1/10 है। ओ यस मैम, मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी एक्सप्लेन में। इट्स ओके, ठीक है, समझ में आ गया? तो बी आपका ऑप्शन है, ठीक है? चलो अब अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एम वन कितना आएगा बच्चे? 3 होगा। एम टू फाइंड कर ले, एम टू कितना होगा? 3-y1/2-x1, राइट? m1 into m2 equals to the -1, तो यानी 3-y1/2-x1 into 3। अब तो नहीं स्क्रीन पॉज हो रही है? नो मैम, दिख रहा है ना? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बताओ फ्रॉम 1 and 2 क्या वैल्यू आ जाएगी? यही आएगी जो हमने अभी निकाली है, x1 equals to the -1/10 and y1 equals to the 37/10। अगर नहीं बिलीव हो रहा दोनों को सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। समझ में आया बच्चे? बताइए। यस मैम। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने पहले वाली जो चीज बताई थी कि ये इस मतलब लाइन पे लाई करेगा, ये समझ में आ गया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चे? इन सब चीजों से क्या होता है, आप अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है? और इन सब चीजों को देखने के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? सबको समझ में आ गया? अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पर गिवन है द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब ये लाइन पर एक पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस लाइन के साथ जो कि गिवन है x+2y+2=0, ये कितना है? √5 गिवन है। समझ में आ गया सबको? मुझे x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करें? यस मैम। बच्चे डिस्टेंस कितना होगा? p वाला जो डिस्टेंस है ये हम कैसे दे सकते हैं? फॉर्मूला से दे सकते हैं ना, x1+2y1+2/√1² + 2² और ऑलरेडी डिस्टेंस मुझे गिवन है √5, सो √5 इज x1+2y1+2 modulus by √5, राइट? तो बच्चे यहां से कितना आ जाएगा, 5 = √x1+2y1+2, राइट? इतना आ जाएगा ना? यस मैम। ठीक है। yes. बच्चे ये लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्या? नो मैम। बच्चे कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है? बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की? a1/a2 is not equals to the b1/b2, ठीक तो है? यस मैम। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये मैंने बना दी हैं ऐसे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ, अब आपको दिख जाएगा। अब बताओ क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? यस मैम। यस सर। अब दिख गया? हाँ, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो, सब उड़ जाते हैं। चलिए देखिए बच्चे, अब ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, वो इस लाइन पे भी लाई करता है, तो यानी x1+y1+3=0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं बताइए? यस मैम। पर बच्चे यहाँ पर तो मॉड्यूलस है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो केसेस लेने पड़ेंगे, हमें नहीं पता ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक बार इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
जिसको भी मॉडुलस में प्रॉब्लम थी उसको ये चीज समझ में आ गई बच्चे। अब बच्चे इस नेगेटिव को ना मैंने यहां की जगह यहां लिख दिया, कोई डाउट है यहां तक बोलो नो बोलो। मैम। तो बच्चे इसका मतलब हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, हमें ऐसे सॉल्व करना है, दो पेयर्स बनेंगे एक्स वन प्लस वाई वन प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स वन प्लस टू वाई वन प्लस टू इक्वल्स टू द फाइव, एक्स वन प्लस वाई वन प्लस थ्री इक्वल्स टू द जीरो, एक्स वन प्लस टू वाई वन प्लस टू इक्वल्स टू द माइनस फाइव। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे। जो हमारी लाइन थी ना वो ये लाइन थी, ठीक है, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन थी। ठीक है, तो बच्चे दो पॉइंट ऐसे लाई करते होंगे, जैसे ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन है जो क्या है अंडर रूट फाइव डिस्टेंस पर है। सिमिलरली यहां पर भी एक ऐसा सेम क्यू पॉइंट होगा जो होगा अंडर रूट फाइव के इक्वल। इसीलिए हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक एक्स वन और वाई वन की वैल्यू यहां से मिल रही है और एक एक्स वन और वाई वन की वैल्यू यहां से मिल रही है। समझ में आया? यस मैम। पक्का बोलो। यस मैम। मीनिंग समझ में आया कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन क्यों मिल रहे हैं? और बच्चे जो हम टेंथ में पढ़ के आए हैं वो तो होगा ही ना। देखो ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल्स टू द बी वन बाय बी टू, तो पक्का ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर मैंने ड्रॉ कर दी इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो पैरेलल लाइन्स है। समझ में आ गया? सो दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल है जहां पर डिफरेंस सॉरी जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट फाइव पर फाइव है। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। मैम y की वैल्यू आएगी 6 और -4। 6 और माइनस, अरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स बता दो ना। मैम -9 एंड 6 एंड 1 एंड -4। वेरी गुड। ठीक है, यस मैम। एक p पॉइंट है, एक q पॉइंट है, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो, और बच्चे हमेशा स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन सब में क्या होता है, आपको रफ में जाके ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां पर हमें कहा गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ये कितना है बच्चे, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहां पर मीट करेगा, माइनस वन कॉमा टू पर। मुझे m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी से बता दो। ये बच्चे भाग क्यों रहे? अंजलि गुप्ता आप कर सकते हैं, वेरी गुड। बताओ कोई भी अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी, ये क्या सर्दियां ज्यादा आ गई क्या, नींद आने लग गई है सबको? आप सबके क्या शाम के स्कूल होते हैं क्या, थक जाते हो क्या? नो मैम, सुबह का होता है। सुबह का होता है, ठीक है जी। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पी जो है इस लाइन पे लाई करता है, सो पुट माइनस वन कॉमा टू इन वाई इज इक्वल्स टू द एम एक्स प्लस सी। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, ये आ गया टू इज इक्वल्स टू द माइनस एम प्लस। मैम फिर से स्क्रीन पॉज हो गई है। ओहो, लीजिए अब ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। दूसरा अगेन बच्चे क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है हमेशा, ये m1 है ये m2 है। m2 कितनी आ जाएगी यहाँ से, m2 आ जाएगी 2 माइनस 0 बाय माइनस 1 माइनस 0, दिस इज योर माइनस 2। तो m1 इंटू m2 इज योर माइनस 1, तो यानी माइनस 2 इंटू m is your minus 1, so यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 by 2। पुट कर दो कहां पर, फर्स्ट इक्वेशन में। so यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 by 2। बताइए कोई डाउट है तो? नो मैम, m और c की वैल्यूज आ गई, पक्का कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े हैं अब, इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्लेन मिरर है
ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ये ओ है, रिलेशन बताओ एओ और ओबी के बीच में। मैम इक्वल इक्वल होंगे बच्चे, क्या होंगे इक्वल होंगे। और बच्चे क्या मैं ये कह सकती हूँ ये पक्का नॉर्मल है? क्यों? क्योंकि प्लेन के नॉर्मल ही होती है ना, जो भी हमारी जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं है ना, इमेज वाली, ये दोनों क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। बच्चे यहाँ पर हम सेम चीज करेंगे, लाइन को क्या मान लेंगे, मिरर मान लेंगे, और पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। देखो बच्चे, ये एक लाइन है हमारी 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट है 4 कॉमा माइनस 13, ये पॉइंट है ए, मैंने मान लिया। ठीक है, और ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी, जो कि है रिफ्लेक्शन एक्स वन कॉमा वाई वन। मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे? एक्स वन कॉमा वाई वन फाइंड करनी है, और मैं मान रही हूं कि जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ए कॉमा बी। चलिए, क्या मैं कह सकती हूँ ओ जो है वो मिड पॉइंट है? यस मैम, राइट, ओ इज द मिड पॉइंट, कह सकते हैं हम ये चीज। चलो जी, सबसे पहले सेम वही कहानी, ओ तो बच्चे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी तो है, ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है ना, देख लो जी। yes, है ना, तो अभी अभी हमने सीखा था कैसे करेंगे, ये है हमारी m1, ये है हमारी m2, आप जल्दी से मुझे m1 और m2 की वैल्यू बता दो कितनी है, और फिर m1 into m2 कितना आ जाएगा? m1 into m2 क्या होगा? m1 minus 5 होगा, m1 होगा minus 5 और m2 हो जाएगा minus 30 minus b by 4 minus a, राइट, पुट कीजिए m1। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर वन, और जो जो ए जो ओ पॉइंट है वो इस गिवन लाइन पर भी है, तो यानी 5a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। जल्दी से a और b की वैल्यू निकालिए, बताइए बच्चे जल्दी से वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको या नींद आ रही है? नहीं है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में? चलिए बताइए क्या वैल्यू होगी ए की, मैं बता दूं ए की वैल्यू, बता दूं जल्दी से बच्चे, ए की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -27/2। फाइन, अब देखो बच्चे, अब यहां पर हम करते हैं ए, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी, ये है हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, ये है हमारा 3/2 -27/2 और ये है हमारा 4 कॉमा -13, राइट। तो बच्चे एक्स वन प्लस 4/2 इक्वल है 3/2 के, एंड वाई वन -13/2 इक्वल है -27/2 के। तो बताइए x1 कितना आ गया, x1 आ गया -1, एंड y1 कितना आ गया, y1 कितना आ गया जी, y1 आ गया -14। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। समझ में आया बच्चे सबको, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके गुड, चलिए एक है ना ऑब्जर्वेशन बताती हूँ आपको, हाँ ये करा देते हैं। हाँ जी, आप ही बताएंगे मुझे ये चीज कि कैसे लिख पा रहे हैं हम। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी, इसका रिफ्लेक्शन
थ्रू एक्स एक्सिस क्या होगा बताइए। मैम ए कॉमा माइनस बी। कोई और बताएगा, कोई और बताना चाहेगा? वेरी गुड बच्चे, देखो अगर एक्स एक्सिस के थ्रू है तो बच्चे देखो जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, क्या बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे y एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे, लेट्स से ये पॉइंट है, सॉरी y एक्सिस पे नहीं, ये पॉइंट है हमारा x कॉमा y, तो इसका रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बच्चे? इसका रिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा x कॉमा y, ठीक है? और अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं किससे? y इक्वल्स टू x से, ठीक है? ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू x। अगर पॉइंट है a कॉमा b तो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट हो जाएगा b कॉमा a, ठीक है? क्या हो जाएगा? b कॉमा a। अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं किससे? y इज इक्वल्स टू द माइनस x से। अगर है a कॉमा b तो ये हो जाएगा माइनस b कॉमा माइनस a। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है? समझ में आ गया बच्चे? अगर आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, जो कि हमने अभी जिस तरीके से किया है ना, आप उस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप फॉलो करते जाना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी जल्दी से। एक पॉइंट है 4,1, वो टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाता है। फर्स्ट क्या है? लाइन जो है उसका रिफ्लेक्शन दिया है। शो हो रहा है क्या? रुको अब देखो, अब ठीक है? यस मैम। बच्चे एक पॉइंट है हमारा 4,1, ये क्या है? y इज इक्वल्स टू x के थ्रू क्या है? y इज इक्वल्स टू x के थ्रू हमने इसका रिफ्लेक्शन लिया है, राइट? और दूसरे में क्या किया है वो बाद में देखेंगे। पहला अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? अभी अभी मैंने आप बताया था आपको मैम 4,1 क्या हो जाएगा? 1,4 हो जाएगा। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या मिला है? 1,4 मिला है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ टू डिस्टेंस चला है, ठीक है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर ये 1,4 था तो ये टू डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया बच्चे? 3,4 नहीं हो गया? यस मैम। हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको बताइए? मैम 3,4। वेरी गुड, 3,4। बच्चे अगर मैं इसी में एक थर्ड स्टेप और ऐड कर दूं कि अब जो है ये पॉइंट जो है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 5 डिस्टेंस चला है, तो क्या हो जाएगा? 3,-1। वेरी गुड बच्चे, ऐसे ऐसे करके जो है आपसे कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूछ सकते हैं। समझ में आया? और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पता है कहाँ आते हैं? लॉजिकल एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? लॉजिक एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आगे जाके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं, या फिर अगर कोई यहाँ पर NDA SSC जो बाकी जो डिफेंस वाले एग्जाम्स होते हैं अगर उनकी तैयारी कर रहा होगा तो उनके सिलेबस में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? फाइन एवरीवन। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।